To help us understand the challenges before us, the next Color of Navrang is the guest lectures on the challenges before budding journalists. So I request Mr. Ashutosh to come to the podium and address these students. पूरी ईमानदारी के साथ मैं दो तीन बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि इसके पहले कि मैं ये बताऊँ कि पत्रकारों के सामने और आप जो नए युवा पत्रकार हैं, आपकी अपनी क्या चुनौतियाँ होनी चाहिए और कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए. जिस समाज में इस वक्त हम जी रहे हैं उसकी दो तीन बुनियादी बातों को अगर समझ लें और उस संदर्भ में अगर हम सारी बातों को रखने की कोशिश करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा. पहली बात, आप लोग जो पूरी पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है बहुत बहुत किस्मत वाली है. किस्मत वाली इस लिहाज से है कि जब हमने अपना करियर शुरू किया था तब टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट नहीं था एक तरीके से, और फेसबुक ट्विटर नहीं थे, आपको अपनी बात कहने की उतनी आज़ादी नहीं थी, और जो अखबार भी थे हिंदी या अंग्रेज़ी के अखबार थे वो बहुत, उनकी मात्रा बहुत कम थी. दिल्ली में उस ज़माने में ले दे के दो या तीन बड़े अखबार अंग्रेज़ी के होते थे और एक या दो हिंदी के अखबार होते थे और वो भी दिल्ली सेंट्रिक ही एक तरीके से थे. लेकिन आज अगर आप चले जाएं तो दैनिक भास्कर के कितने संस्करण हैं शायद दैनिक भास्कर को भी याद नहीं होगा. जागरण सबसे लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है इस वक्त दुनिया का और कितने संस्करण हैं शायद मुझे भी याद नहीं है. हिंदुस्तान जो हिंदी का अखबार है वो पहले पटना में बहुत पावरफुल था, बिहार में बहुत पावरफुल था, आज उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में है. हर अमर उजाला का भी यही हाल है. जो टाइम्स ऑफ इंडिया पहले दिल्ली और मुंबई से निकला करता था, आज चेन्नई, बेंगलोर और कलकत्ता जा रहा है. तो हर जगह अखबारों का भयानक प्रसार हो रहा है, ज़बरदस्त प्रसार हो रहा है, ज़बरदस्त सर्कुलेशन है. क्योंकि जैसे जैसे देश के अंदर लिटरेसी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, अखबारों का जो सर्कुलेशन है और अखबारों का जो प्रसार है उसी तरीके से बढ़ेगा. उसी के बरक्त अगर आप देखें तो टेलीविज़न चैनल्स राष्ट्रीय स्तर पर आज इतने हिंदी के चैनल हैं कि हम खुद कभी कभी गिनने से घबराते हैं, क्योंकि उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और हमेशा दिमाग में एक तनाव रहता है कि किस अखबार, किस चैनल में कौन सी खबर आ जाएगी. यही हाल अंग्रेज़ी के, हालांकि वहाँ ले देकर अभी पांच ही चैनल हैं. लेकिन अगर आप राष्ट्रीय चैनलों से हट के अगर आप शहरों में चले, राज्यों में चले जाएँ, तो कम से कम हर राज्य की राजधानी के अंदर 5 से 10 न्यूज़ चैनल्स तो कम से कम होंगे. एंटरटेनमेंट चैनल उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी संख्या उतनी है. अगर आप शहरों के अंदर चले जाएँ तो वहाँ भी छोटे छोटे शहरों में 2-3 केबल नेटवर्क हैं जो वहाँ पे लोकल खबरों को देते हैं. और ये हाल पूरे हिंदुस्तान का है. कम से कम मेरी जो अपनी जानकारी कहती 300 से ज़्यादा चैनल्स हैं, इनकी संख्या 500 बढ़ने की संभावना बहुत जल्दी है. मिनिस्ट्री के पास अभी कम से कम 150-200 ऐसे लाइसेंसेस हैं जो उनको अप्रूव करना है. आज टेलीविज़न में आना अपने आप में ग्लैमरस माना जाता है. ये माना जाता है कि अगर आप टीवी पर आएंगे, दिखेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपको ऑटोग्राफ लेंगे. लेकिन ये भी एक सपनों की एक अलग दुनिया है जो आपको आत्ममुक्त करती है और कहीं ना कहीं आपको कभी कभी निराशा के ऐसे छड़ों में ले जाती है जो आपके लिए तकलीफ हो जाती है. इसलिए 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी. सबसे पहले, पहली चीज़ ये है कि आप जिस युग में रह रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का एज है, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी भयानक तरीके से आगे बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते. अगर टेक्नोलॉजी ने ये जो टाइम एंड स्पेस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अगर उसने बदल दिया है, या मैं तो कहता हूँ टाइम एंड स्पेस को इररिलेवेंट कर दिया है, तो जब इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होगा तो समाज में उसका असर होगा, समाज में बदलाव आएंगे और उसको हमें समझना पड़ेगा. ऐसे में अगर आप पत्रकार हैं तो कम से कम जब बहुत ज़्यादा सूचनाएं होती हैं तब पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आपका काम है आर्ट ऑफ डिलीशन, कितनी सूचना को हमें दर्शकों तक पहुंचाना है. आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड है, सारी सूचना को नहीं पहुंचा सकते, तो आपको कुछ सूचना पहुंचा. अगर आप टेलीविज़न में हैं तो आपको हजारों लाखों सूचनाओं में से सिर्फ 8 या 10 इन्फॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुँचानी होती है, उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, उसकी पैकेजिंग करनी होती है. तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी यह है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, 3 C's, क्लैरिटी ऑफ थॉट, कन्विक्शन ऑफ योर बिलीफ एंड 3rd द क्रिएटिविटी ऑफ योर इंटेलेक्ट. अगर इन तीनों का सामंजस्य अगर नहीं है तो यकीनन दिक्कत आने वाली. तो पहली बात, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, आप क्या करना चाहते हैं. आप जर्नलिज्म में आए हैं, बहुत अच्छा है. जर्नलिज्म में क्या करना है आपको? आपको टीवी में जाना है, आपको अखबार में जाना है,
आपको इंटरनेट पे जाना है या आपको कुछ और करना है, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और जब ये आपने तय किया कि आप मान लीजिए टीवी में जाना चाहते हैं क्योंकि टीवी अच्छा लगता है, दिखता है, तो टीवी में क्या करेंगे आप? एंकरिंग करेंगे, डेस्क पर रहेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप प्रोड्यूसर बनेंगे, आप रनडाउन प्रोड्यूसर बनेंगे, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, कैमरा करेंगे, एडिटिंग करेंगे, आप पीसीआर के अंदर बैठ के आप टेक्निकल डायरेक्टर बनेंगे, क्या करेंगे आप? तो आपको आपको अगर नए तरीके से नहीं कहेंगे, हर पल नया नहीं सोचेंगे, हर बार नई चीज़ें करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने इंटेलेक्ट का एप्लीकेशन क्रिएटिव तरीके से नहीं करेंगे, तो यकीन मान लीजिए कुछ समय के बाद आप जो है उस प्रोफेशन में ही या तो इरेलीवेंट हो जाएंगे या फिर आपको डेडवुड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपका आपकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो जो लोग किसी भी प्रोफेशन में आगे जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जीनियस हो अपने फील्ड के, लेकिन अगर उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, अपने आप को अप्लाई करने की क्षमता है और उनके अंदर डिसिप्लिन है और अपने दिमाग का वो सृजनात्मक तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका तो आप खुद देखेंगे कि एक एवरेज आदमी भी बहुत तरक्की कर लेता है। और कुछ लोग जो बहुत जीनियस होते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाते या जिस तरीके से क्रिएटिव होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाते। तो मैं इतनी ही बात करूंगा क्योंकि मैं तो बेसिकली ये सोच के आया था कि मैं डीपी त्रिपाठी जी या त्रिपाठी जी को सुनूंगा, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे अग्रज, हमारे सीनियर हैं, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि मैं इस प्रोफेशन में मैंने कुछ समय बिताया है तो मैं जो मैंने महसूस किया है उसको आप तक शेयर करूँ। तो इन तीनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा और तब बातें कहनी पड़ेगी। पहली बात टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन को समझना होगा, सोसाइटी इन ट्रांजिशन है उसको समझना होगा और साथ ही साथ जो आपके साथ जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अपना क्लैरिटी ऑफ थाट, दूसरी बात कन्विक्शन ऑफ योर वैल्यू सिस्टम and creativity of your intellect, use it, I am dead sure it will bloom in your career, you will do very well in your career. My all the best wishes are with you. Thank you so much.